क्वेश्चन ये है कि एम मास का एक ऑब्जेक्ट है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर पड़ा हुआ है और ऑब्जेक्ट को स्लाइड करने के लिए ऑब्जेक्ट पर हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स अप्लाई कर रहा है अगर वो कैपिटल एफ के इक्वल है तो हमें इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के इक्वल है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल एम के इक्वल है तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल एम जी एक्ट करेगा और हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एन अप्लाई कर रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए ऑब्जेक्ट पर हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रहा है वो पी के इक्वल है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये कन्फर्म हो गया कि हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है एंड दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल फोर्स एन अप्लाई कर रहा है और साथ में फ्रिक्शन फोर्स एफ एस भी अप्लाई कर रहा है। सो द नेट फोर्स अप्लाइड बाय द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ एम एंड एफ एस एंड द रिजल्टेंट ऑफ बोथ द फोर्सेस विल बी रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू कैपिटल एफ, ठीक है। कैपिटल एफ इज द नेट फोर्स अप्लाइड बाई द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन द ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो वी हैव पी इक्वल टू एफ एस एंड एन इक्वल टू कैपिटल एम जी बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वर्टिकल डायरेक्शन एज वेल एज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो and this implies that f is equal to root under n is equal to capital mg, so it will be capital mg whole square plus fs square, ठीक है। और fs का रेंज जीरो से लेकर लिमिटिंग फ्रिक्शन तक होता है, रेंज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज फ्रॉम जीरो टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। एंड हियर लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन दैट इज कैपिटल एम, ठीक है। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि कैपिटल एफ का मैग्नीट्यूड स्टैटिक फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है। कैपिटल एफ मिनिमम होगा जब स्टैटिक फ्रिक्शन मिनिमम होगा, मतलब जीरो होगा। अगेन कैपिटल एफ मैक्सिमम होगा जब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होगा, ठीक है। सो वी हैव एफ मिनिमम इक्वल टू, यहां पर एफ एस इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो हो जाएगा कैपिटल एम जी, ठीक है। अगेन एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट अंडर कैपिटल एम जी होल स्क्वायर प्लस एफ एस की वैल्यू म्यू इंटू कैपिटल एम जी पुट करते हैं तो हो जाएगा म्यू इंटू कैपिटल एम जी होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल एम जी इंटू रूट अंडर वन प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। एंड वी हैव एफ
लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स एंड एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ मिन, ठीक है, एफ मिन और एफ मैक्स की वैल्यू पुट करते हैं. सो दिस इंप्लाई दैट ये हो जाएगा कैपिटल एम जी लेस देन इक्वल टू कैपिटल एफ लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम जी इंटू रूट अंडर वन प्लस म्यू स्क्वायर. ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी. ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया. थैंक यू.